नमस्ते दोस्तों, मिर्ची रफ्तार से मैं अश्निल सिंह, शामिल हो जाइए हमारे साथ मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 3 to 7 PM। ऐसा बोला समाचार दर्शन पर आप सभी को निमानी बहनी वालों का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। पुलिस को आज शाम वकम्बलिया नावुआ में एक गाड़ी तथा दो लोगों की लाश वहां की एक नदी में मिली है। गाड़ी सुबह के एक व्यापारी कृष्णा स्वामी नायडू की है, जो पिछले एक महीने से अपने एक कर्मचारी एला ब्लैकलॉक के साथ गायब थे। पुलिस प्रवक्ता आना नईसोरो का कहना है कि अभी भी उन्हें इन दोनों लाशों की पहचान करना बाकी है। नायडू और एला ब्लैकलॉक को आखिरी बार 19 तारीख जून को लोटोका में देखा गया था। हमारे साथी एडविन नंद, जो आज शाम वकम्बलिया में थे, ने बताया कि ये उसी नदी है जहां आज से 15 साल पहले एक व्यक्ति और उसके बेटे की लाश पाई गई थी, जिनकी गाड़ी नदी में उसी जगह पर जा गिरी थी। फिजी एयरवेज के नए CEO की घोषणा की गई है। एयर पैसिफिक लिमिटेड, जिन्हें अब फिजी एयरवेज के नाम से जाना जाता है, के चेयरमैन नलिन पटेल ने बताया कि बोर्ड ने स्टेफान पिछला को नए मैनेजिंग डायरेक्टर तथा CEO के पद पर नियुक्त किया है। स्टेफान पिछला 1 सितंबर से अपना पद संभालेंगे। पटेल ने बताया कि पिछला के पास न केवल एयरलाइन बिजनेस मॉडल्स का ज्ञान है, बल्कि टूरिज्म इंडस्ट्री में भी काफ़ी होशियार तथा एक्सपीरियंस है। पिछला वर्तमान समय जजीरा एयरवेज के CEO के पद पर काम कर रहे हैं। फिजी इंस्टीट्यूट ऑफ सर्वेस लैंड डेवलपमेंट को लेकर सरकार से सहायता की मांग कर रही है। FIS ने आज एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर तथा अटॉर्नी जनरल जनाब अय्यर सैयद क्यूम से मुलाकात की और FIS अपनी समस्याओं को AG के समक्ष रखने में सफल रहे। सैयद क्यूम ने बताया कि वे FIS की इन समस्याओं पर जरूर गौर करेंगे। और खेलकूद में फिजियन सेलर्स कावेनी नतानरा तथा उनके क्रू ओविनी वोडाफोन साउथ पैसिफिक होबी चैलेंज को दोबारा जीतने में सफल रहे। वे वालिस एंड फुटुना क्रू से आगे थे और फिलहाल फेलो फिजियन एपेलिन रोमा तीसरे स्थान पर थे। यह चैलेंज पिछले 3 दिनों से जारी था। और ये थे आज के मुख्य समाचार। सोमवार को हमारी मुलाकात जरूर होगी। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज। जहाँ हो प्यार का बसेरा और रिश्तों की खुशबू, वो है आपका अपना घर संसार। ज्वाइन मी ऑन घर संसार मंडे टू फ्राइडे 9 AM टिल 12 PM Only on Radio Fiji 2.